हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग और दिग्गज शेयर की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि शेयर मार्केट में करेक्शन आ चुका है कोरोना वायरस के लिए। ग्लोबल रिलेटेड जो भी ग्लोबल वर्ल्ड पूरे जो वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस से जो इम्पैक्ट हुआ है शेयर मार्केट पर, इंडिया की बात नहीं करें तो भी अदर जो USA, चाइना हो, जापान हो, जो भी अदर कंट्रीज है उनके में भी करेक्शन आ चुकी है शेयर मार्केट में। ज़्यादा फॉरेन निवेशक पैसा अपना काट ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, क्योंकि सभी को लग रहा है कि कोरोना वायरस से कोई इम्पैक्ट होगा शेयर मार्केट पर ज़्यादा ही, और उनके पैसे डूब जाएंगे। बट आप सभी को पता है कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रहती है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि आप सभी को पता है 100 रुपये का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको 50 को मिल रहा है, तो आपका बेनिफिट है कि नहीं उसमें खरीदने का आप ही सोच सकते हैं। बट आगे मैं बात करूंगा जो जो इंडिया में अवेलेबल है शेयर के बारे में, जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स है और अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, उन शेयर की इन्फॉर्मेशन आज लेंगे हम। फर्स्टली बात कर लेते हैं RRCT के बारे में। आप सभी को मैं बार बार इस शेयर के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। जिसको मोनोपोली समझ में आती है वो कभी भी इस शेयर के बारे में कभी कोई बात सोचेगा नहीं, क्योंकि मोनोपोली का मतलब ही होता है खाली वन सेलर्स एंड अदर कस्टमर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग, आप सभी को पता है कोई रेलवे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं चलाता है इंडिया में, खाली गवर्नमेंट ही अवेलेबल करा के देती है रेलवे। बट ये कंपनी जो भी अदर भी बिजनेसेस करती है, जैसे कैटरिंग बिजनेसेस हो, टिकट बुकिंग हो, टूरिज्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सेपरेटली, जो टूरिस्ट के लिए जो रेलवेज अवेलेबल करके देने का काम भी RRCTC ये कंपनी करती है। अभी फिलहाल ही लिस्ट हुई है और इसका परफॉर्मेंस बड़ी बढ़िया अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसने देखिए आप सभी को मैं यहाँ पर रिटर्न दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर वन मंथ का यहाँ पर करेक्शन के पहले के रिटर्न देख लीजिए कितना दिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा कितना सारा रिटर्न कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर ये आप सभी को पता चल जाएगा, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसलिए ये स्लो डाउन में चल रहा है। देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, देखिए खाली 5 दिन की बात कर ले तो खाली 1400 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, तो आज की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पर प्राइस दिख जाएगी 1221 पर आपको अवेलेबल हुआ है। यहाँ पर ये जो करेक्शन आते हैं, करेक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो हमें क्या करना है इसके ऊपर एंट्री मार देनी है और यहाँ पर परचेस कर होल्ड करना है। आप सभी को पता है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 100 का प्रोडक्ट आपको 50 में मिल रहा है, तो आपको 50 का प्रोडक्ट लेकर होल्ड करना है और 100 का होने के बाद बेचना है। शेयर मार्केट में क्या होता है, स्लो जब सिचुएशन आती है, जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है तब परचेस करना चाहिए और सेल करना चाहिए हाई लेवल पर, बाय लो एंड सेल हाई, ये शेयर मार्केट की सिचुएशन। दिग्गज से दिग्गज आप भी सभी इन्वेस्टर की बात सुनेंगे तो वो यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही पैसा बनता है अच्छी तरीके से। आगे बात कर लेते हैं RRCT के बाद में, मैं आपको डीमार्ट जो कि एवेन्यू सुपर मार्ट एक कंपनी का नाम है, ये जो आप सभी को पता है आप जो भी डीमार्ट कहते होंगे, जो मॉल कहते हैं, ये डीमार्ट है जो कि इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है रमेश दमानी, ये इस कंपनी के फाउंडर है। उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी इस्टेब्लिश कर यहाँ पर अच्छी तरीके से रिटर्न अवेलेबल करे है, उनको मिल चुके हैं और वो रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं इंडिया के। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मंथ का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ इस कंपनी के शेयर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2545 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट यहाँ पर जो कोरोना वायरस की सिचुएशन क्रिएट हुई इसलिए स्लो डाउन और फ्लक्चुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर देखिए आप 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था 5 डे के बाद, यहाँ पर आज की सिचुएशन देखिए तो आपको यहाँ पर 500 रुपये से सस्ता मिल रहा है शेयर, यहाँ पर 500 रुपये पर सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब देखिए आपको एक शेयर के पीछे 500 रुपये का बेनिफिट होगा। आगे ज़रूर शेयर करेक्शन लाई जाए और करेक्शन के बाद में जो भी कंपनी के, यहाँ पर देखिए जो भी कंपनीज़ की करेक्शन थोड़ा होने के बाद में जो एंट्री होती है और ज़्यादा बाइंग हो जाती है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिख जाएगा इस शेयर का। मैं आपको बाद में से यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो कंपनी के जो यहाँ पर कौन से कंपनी के शेयर यहाँ पर बाय किए हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितने क्वांटिटी में, इतना प्राइस लो होने के बाद भी कितने लोग परचेस करते हैं। यहाँ पर देखिए 96% शेयर यहाँ पर बाय करके होल्ड किए यहाँ पर RRCT के आपको दिख जाएगी। देखिए 1,13,517 यहाँ पर शेयर परचेस कर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किए, यहाँ से पता चल जाता है कि कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस है इतना अच्छा है, इसलिए इतनी डिमांड इसकी बढ़ चुकी है। इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो FMG सेक्टर के बिजनेस होते थे वो भी कितना भी वायरस आ जाए, कोई भी अर्थक्वेक आ जाए, कोई भी नेचुरल इम्पैक्ट हो जाए, बट
इस कंपनी के शेयर में कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आते, बट कोरोना वायरस से यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पैटर्न इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चले कि पहले शेयर की प्राइस क्या थी और क्या अभी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और कितनी प्राइस अभी हमें कितना कम दाम पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको 2211 रुपीज़ पर अवेलेबल था, बट यहाँ पर आपको देखिए 200 रुपये के नीचे दाम पर आपको अवेलेबल है, शेयर हो चुका है। आप देख भी सकते हैं कि 6 मंथ का रिटर्न भी यहाँ पर कंपनी का देखिए आपको ग्रीन निशान में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 13 रुपये का यहाँ पर आपको रिटर्न 13% रिटर्न प्रोवाइड किया है इस शेयर ने। एक मंथ का भी चार्ट पैटर्न देखिए तो यहाँ पर स्लो डाउन की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे ही कोरोना वायरस की जो न्यूज़ आई तब से ऑल द शेयर मार्केट ऐसे स्लो डाउन में ही ट्रेड कर रहे। ये मैं आपको फंडामेंटली और स्ट्रांग शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊँ, इतने स्ट्रांग होने के कारण ही इतने कम स्लो डाउन इनकी प्राइस हो चुकी है। आप देखेंगे तो बाकी के जो शेयर है से वो 10-10%, 8-8%, 15-15% टूट चुके हैं और कम दाम पर अवेलेबल हो चुके हैं। इसलिए ये जो FMCG सेक्टर होते हैं, जो मोनोपोलिस्टिक बताया मैंने आपको, डिमांड बताया, ये जो दिग्गज शेयर है NSE के वेबसाइट पर भी लिस्टेड है और बढ़िया शेयर्स है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर जाती इन्फॉर्मेशन। आप चाहे तो आपके बेसिक्स पे और आपकी ओन इन्फॉर्मेशन पर परचेस करना है तो करिए, और आपको अच्छा एंट्री करने के लिए अच्छा मौका मिला है। थैंक यू सो मच ऐसे ही वीडियो के लिए। आप सभी को थैंक यू सो मच।